दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। ये वीडियो परिमल ऐप चलानी कैसे है उस हेतु से बनाई जा रही है। हमने 7 दिसंबर 2022 श्री दत्त जन्मोत्सव के पावन अवसर पर अपने कैवल्यवासी परम पूजनीय परम आदरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय श्री परिमल वाले बाबा जी की धरोहर परिमल ऐप को ऑनलाइन लाया था। तो वो ऐप को चलाना कैसे है वो हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में परिमल ऐप को इंस्टॉल करें, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर हमने जैसे खोला, यहाँ पर हमने टाइप करना है परिमल, जिसके उपरांत आपको यहाँ पर केशव महाजन परिमल यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जिसका ये लोगो है। यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपको यहाँ से ओपन करना है। ओपन होने के बाद ये देखिए, आपको ये यूज़र इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जिसके अंदर 6 आपको यहाँ पर मेन्यू दिखेंगे और आपको राइट स्वाइप करेंगे 6 और दिखेंगे और इसके बाद 4। तो इसका जो पहला इंटरफेस है जिस पे परिमल लिखा है, इसके अंदर जो हमारे श्री गुरु जी ने 1980 से परिमल लिखते आ रहे थे 2019 तक, वो इसमें होगी। तो आप जब इसे खोलेंगे तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, सन 1982 और सन 1983। तो 1982 पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 महीने की परिमलें उपलब्ध हो जाएंगी, जिससे कि आप परिमल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 महीने की मिल जाएगी और हर, ये देखिए 1983 में भी हमने एक डाली हुई है, और हर आपको 15 दिन से 20 दिन के अंदर एक परिमल आपको ऐप के अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी। ये तो होगी हमारी परिमल। यहाँ पर हमारे श्री गुरु जी की जीवनी को संक्षिप्त में लिखने का प्रयास हमारे गुरु बंधु, ज्येष्ठ गुरु बंधु परम पूजनीय श्री सुबोध मुनि दादाजी ने किया है। उन्होंने श्री गुरु जी की जीवनी को लिखा है, जिसको आप पढ़ सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा परिमल स्तोत्र पुस्तिका, जो कि कुछ समय पहले ही हमने लॉन्च करी थी, जो कि आपको बाय हैंड विशाल श्री गीता भवन सेक्टर 52 चंडीगढ़ में उपलब्ध होगी। उसी का ऑनलाइन वर्जन ये है। इसके अंदर आपको स्तोत्र, चालीसा, पूजा अवसर और प्रार्थना मिल जाएगी। स्तोत्र के अंदर ये देखिए, आपको इतने सारे स्तोत्र उपलब्ध हो जाएंगे और ये सारा आपके लिए ऑफलाइन उपलब्ध है। अगर आपको परिमल ऐप पढ़नी है तो वो ऑनलाइन है, ये सारा ऑफलाइन है। ये देखिए, इसके अंदर जैसे हमने अथ पंचदशोध्याय खोला, ये देखिए ये सारा, इसके बाद चालीसा, चालीसा के अंदर हमने 3 चालीसाएं डाली है, पूजा अवसर, इसमें प्रातः मध्यान्ह सायकाल पूजा अवसर है, ये देखिए मध्यान्ह काल पूजा अवसर, ऐसे ही आप सारे पढ़ सकते हैं। इसके बाद प्रार्थनाएं हैं, जो कि हमारे पंथ की प्रार्थनाएं जिस पुस्तिका में थी वो हमने डाली है। इसके बाद आपको आरतियां मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको पंचावतार की आरतियां और उपहार की आरती मिल जाएगी। देखिए, श्री कृष्ण महाराज की आरती पर जब हमने क्लिक किया, आपको प्रथम अवतार की सारी आरतियां मिल जाएंगी। जैसे हमने श्री चक्रधर स्वामी की देखनी है तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके उपरांत हमने कई छवियाँ डाली है, जैसे हमारे श्री गुरु जी की, बड़े गुरु जी श्री ऋषिराज बाबा जी की फ़ोटो डाली है हमने, हमारे श्री गुरु जी की फ़ोटो डाली है, हमारे बड़े भाई जी, हमारे गुरु जी और श्री बाबा जी, ये हमारे सुबोध मुनि दादाजी जिन्होंने हमारे गुरु जी की सेवा में 10 साल रहे हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ बुकमार्क का सेक्शन है। बुकमार्क हमने कैसे सेव करने हैं ये मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ आरतियों में गए, तो जैसे हम कई बहुत रीसेंट आरती है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे श्री दत्तात्रेय महाराज जी की आरती में जय जय अवधूत प्रभु राया, हमने इसको सेव करनी है। जैसे हम किताब के अंदर बुकमार्क करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर ऊपर बुकमार्क कर सकते हैं। बुकमार्क कर लिया, उसके उपरांत जब आप इसको बुकमार्क में खोलेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपकी सेव हो गई है जय जय अवधूत प्रभु राया। जो ऐसे आप सेव कर सकते हैं जो आपकी सिलेक्टेड आरतियाँ या स्तोत्र होंगे। इसके अंदर आप पूजा अवसर, चालीसा, स्तोत्र कुछ भी सेव कर सकते हैं। जैसे आप पूजा अवसर में देखिए, प्रातः पूजा अवसर आपने करना है, वो भी आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं।
फिर स्तोत्र में आप जैसे पंचदशोध्याय वो भी सेव कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें से सेव कर सकते हैं परिमल स्तोत्र ऐप के अंदर से। तो ये बुकमार्क में आपको ये देखिए सारी यहाँ पर दिख जाएगी। इसके बाद अगर हम राइट स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें शेयर दी ऐप का ऑप्शन मिल रहा है, जिससे कि हम ये ऐप को हम कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं और अपने सगे संबंधी या अपने पंथ के बंधुओं में हम ये ऐप को फैला सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ ऑडियो उपलब्ध हो जाएगी। अभी हमने ऑडियो के अंदर कुछ डाला नहीं है, जैसे ही हमें कोई प्रवचन अपने गुरुजी की आरतियाँ कुछ ऐसा उपलब्ध होगा तब हम इसमें डाल दिए जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमने YouTube चैनल का लिंक दिया है, महानुभव पंथ चैनल का, जिसके अंदर हमने कई आरतियाँ अपने गुरुजी के जैसे झंडा बांधते हुए बड़े भाई जी का भजन, हमने श्री दत्तात्रेय महाराज का आत्मसिद्ध पंचालेश्वर दिखाया है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन सेक्शन है, जैसे ही हम ऐप के अंदर कोई नोटिफिकेशन डालेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमने सेटिंग्स डाली है जिसमें आप अपने आँखों के अनुसार आप यहाँ पर फॉन्ट साइज एडजस्ट कर सकते हो, आप इस ऐप की नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हो, नोटिफिकेशन साउंड कर सकते हो और ये ऐप वर्जन देख सकते हो कि आपने अपनी लेटेस्ट ऐप इंस्टॉल करी है या नहीं। इसके बाद हमारे विशाल श्री गीता भवन सेक्टर 52 चंडीगढ़ के संचालक परम पूजनीय श्री गिरधर मुनि बाबा जी, जो कि हमारे गुरु जी श्री गुरु जी जो कि कैवल्यवासी परम पूजनीय परमादरणीय श्री परिमल वाले बाबा जी के स्थान पर विराजमान हुए हैं, उनका यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अपना नंबर दिया है केशव महाजन, मैंने ये ऐप डेवलप करी है। अगर आपको किसी भी तरह की ऐप में कोई दिक्कत आती है, ऐप क्रैश या कोई भी आपको ऐप में कुछ चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मेरे को भी यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इसके बाद मैं सामान्य प्रश्न दिए हैं, जैसे परिमल की शुरुआत कब हुई, परिमल की शुरुआत 1982 में श्री परिमल वाले बाबा जी द्वारा की गई, श्री कृष्ण प्रकाश संस्थान कहाँ स्थित है, विशाल श्री गीता भवन चंडीगढ़, कैवल्यवासी परम पुण्य परमहंस श्री परिमल वाले बाबा जी के बाद किन को पदवी दी गई है, श्री गिरधर मुनि पंजाबी, इसमें सामान्य प्रश्न है। इसके बाद हमारा मुख्य चीज़ जो कि है स्थान दर्शिका, जिसको आप जब खोलेंगे तो इसके अंदर आपको हमारे भारत देश के अंदर हमारे जितने स्थान हैं, मंदिर है, आश्रम है, उनका आपको एड्रेस मिल जाएगा, जो कि अभी हमने थोड़े ही डाले हैं, धीरे धीरे इसमें अंदर और भी ऐड कर दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आप देखिए, आप अपने उत्तर भारत के जगह स्थान पर आते हैं, यहाँ पर आपने समझिए चंडीगढ़ में आना है, तो चंडीगढ़ में आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर विशाल श्री गीता भवन चंडीगढ़ है, तो अगर आपने यहाँ पर जाना है तो यहाँ पर गूगल मैप्स का नीचे ऑप्शन है, तो गूगल मैप पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको विशाल श्री गीता भवन चंडीगढ़ की लोकेशन दी जाएगी। और ऐसे ही अगर आपको कहीं और जाना है, समझिए आपको ये नई दिल्ली में सांवली मूर्ति मंदिर जाना है, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे श्री सांवली मूर्ति मंदिर करोल बाग, कहीं पर भी जाना होगा तो आपको वहाँ की लोकेशन यहाँ से उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसी तरह हमने ये अपने दक्षिण भारत महाराष्ट्र के अंदर हमने स्थान भी डाले हैं, जैसे कि आप ये देखिए हमने यहाँ पर जाना है तो यहाँ ये जालीचा देव, श्री कृष्ण महानुभव आश्रम अकोला, ये दंडलेश्वर अमरावती, हमारे श्री चक्रधर स्वामी के, श्री कृष्ण महाराज जी के सारे हमने स्थान यहाँ पर डाले हैं। जैसे श्री क्षेत्र पंचालेश्वर जाना है, वहाँ की भी आपको लोकेशन यहाँ से उपलब्ध करवा दी जाएगी। ऐसे हमने अपने स्थान दर्शिका बनाई है जिसके सहारे आप अपने सारे स्थान को नमस्कार कर सकते हैं। उसके बाद ये डेवलपर डिटेल्स है जिसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी ईमेल आईडी दी गई है जिससे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर मैंने फेसबुक का लिंक दिया है जिसपे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर विशाल श्री गीता भवन का अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसमें जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके अंदर हमारे विशाल श्री गीता भवन की सारी नोटिफिकेशन, सारी आरतियाँ, लाइव रिकॉर्डिंग्स, आपको लाइव आरतियाँ, बहुत कुछ उपलब्ध हो जाएगा। कोई भी पूजा अवसर होगा, कोई भी श्री चक्रधर जयंती, श्री कृष्ण जयंती, आपको यहाँ पर सारा कुछ आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे श्री गुरु जी का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, और आप ये ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि परिमल, जो कि हमारे श्री गुरु जी का स्वप्न था, उनकी धरोहर थी, ये सदैव चलती रहे।
इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हूँ। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।